हम लोग पहुंच चुके हैं जहां से हम यात्रा को शुरू करने वाले हैं। यहां पे दाता ने आपके पलट के पहली बार देखा था कि भैरव उनका पीछा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो गुफा है अर्कुवारे की, ये करीब 25 फुट की है। तो इस द्वार पर हमारी जो हमने ऑनलाइन पर्ची करवाई थी वो चेक हुई है। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, मिडिल इंडिया, सब मिल चुके हैं रास्ते। जोर से बोलो। जय माता दी। दोस्तों, कहते हैं कि माता का बुलावा अपने आप आता है, और ऐसे ही हमारा बुलावा आया और सडनली एक दिन के अंदर हमारा प्लान बन गया। तो इस वीडियो में हम आपको लेके जाने वाले हैं कटरा वैष्णो देवी माता के पास। बताएंगे आपको कि अगर आप अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कैसे आए, कहाँ रुके, किन किन बातों का ध्यान रखें, कहाँ खाएं, कितना टाइम आपको चाहिए पूरी जर्नी कम्प्लीट करने के लिए, और सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके ट्रिप के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम आपको लेके जा रहे हैं दिल्ली से कटरा। तो बात कर लेते हैं कि आप कटरा कैसे पहुंच सकते हैं। कटरा बाय रोड, बाय एयर एंड बाय ट्रेन तीनों मीडियम से कनेक्टेड है। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो जम्मू का एयरपोर्ट कटरा से करीब 1 घंटा दूर है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं, जो हम हाईली रेकमेंड करेंगे, ट्रेन दिल्ली से बहुत सारी हैं, इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया से ही काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है कटरा की। और अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो इसको आपको करीब 700 किलोमीटर दूर पड़ता है दिल्ली से, और आपको लग जाएंगे करीब 12 से 14 घंटे। हमारे पास टाइम कम था, हमारा प्लान बहुत सडन था, इसलिए हम लोगों ने इस जर्नी को बाय रोड करना डिसाइड किया। एक बात आपको बता दें कि वैष्णो देवी के लिए समर्स में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो अपनी ट्रेन टिकट्स आप एडवांस में करके चलें। हमें भी ट्रेन टिकट्स नहीं मिल पाई थी, इसीलिए हम लोग बाय रोड आए हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पहुंचने वाले हैं पठानकोट। पठानकोट से करीब हम 30 किलोमीटर पहले हैं और बेहद ही खूबसूरत सनराइज़ के साथ हमारी शुरुआत हुई है। तो कटरा पहुंचने से पहले आपको दो इम्पोर्टेंट बातों के बारे में हम बता दें। नंबर वन है कटरा में स्टे, और दूसरा है यात्रा पर्ची। पहले बात कर लेते हैं कटरा में स्टे की। अगर आप लोग जिस दिन पहुँच रहे हैं उस दिन ही पहुंचकर यात्रा को शुरू करना चाहते हैं तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप होटल रूम बुक ना करें, या आप अननेसेसरी अपने लिए कॉस्ट ऐड करेंगे। उसके बजाय हर होटल आपको लॉकर रूम प्रोवाइड करता है कुछ बेसिक मिनिमल कॉस्ट पे। वहां पे आप अपना हैवी लगेज रख सकते हैं, और एक लाइट पिट्ठू बैग जो आप कैरी कर पाएं ऊपर बेसिक एसेंशियल्स के साथ, उसको आप ऊपर ले जाएं। लेकिन अगर आप बहुत थक गए हैं और आप फर्स्ट डे जाके रेस्ट करना चाहते हैं तो आप कटरा में होटल लीजिए, और हम आपको रेकमेंड करेंगे। रश बहुत ज़्यादा होता है समर्स में, और नॉर्मल टाइम पे भी, तो बेटर रहता है कि आप अपना एडवांस बुकिंग ऑनलाइन ऑप्शन के थ्रू या कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली होटल पे आप अपने होटल्स बुक करा के चलें। हम लोग करीब 11 बजे सुबह कटरा पहुँच गए, और वहाँ पहुँच के हमें होटल माउंट व्यू बहुत सही लगा तो हमने उसको बुक किया। इसका कॉस्ट पड़ता है करीब 2000 रुपये फॉर वन रूम, जिसमें दो लोग आराम से रुक सकते हैं। एडिशनल लोग रुकने के लिए आपको एक्स्ट्रा बेड के चार्जेस देने पड़ेंगे। यहाँ की बेस्ट बात है कि ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड होटल है, और इनके पास यहाँ पार्किंग भी अवेलेबल है, तो अपने कार पार्क आप इजीली कर सकते हैं। मोस्ट होटल्स के पास कटरा में पार्किंग का इशू रहता है, तो आपको एक कॉमन जो पार्किंग्स हैं उनमें अपनी गाड़ी को पार्क करना पड़ेगा। गाइस, तो फाइनली बज रहे हैं शाम के 7, बहुत लेट हो गया है हमें। हम लोग 1 बजे खाना खाने के बाद थोड़ा देर सो गए, 5 बजे उठे हैं, रेडी हुए हैं, फिर भी निकलते निकलते, क्योंकि हमें एक यात्री जो आपको लेके चलना पड़ता है साथ में पर्चा, उसका प्रिंट आउट ज़रूरी है। हालांकि हमने उसका PDF निकाला था, वो हमको सब बताएंगे रास्ते में कौन से लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो हम बताते हैं कि उसको लिंक को लेना, उसको प्रिंट आउट निकलवाना, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आते हैं। वो करके फाइनली हम राइट नाउ कटरा में, अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया है। तो ये हमारा टारगेट है कि इस जर्नी को हम रात रात में कवर करें। हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप भी अगर आते हो तो शाम को कवर कीजिए, दिन में बहुत धूप लगती है और हर एक कदम उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि वीडियो में आपको हम पूरा जर्नी दिखाएंगे अब रात की, तो चलिए शुरू करते हैं। यात्रा पर्ची उपलब्ध करने के दो तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली कटरा आइए और यहाँ घंटों लंबी लाइन में रुक के उसको लीजिए,
या फिर आप maavaishnodevi.org पे जाइए, वहाँ पे अपने आप को न्यू यूजर की तरह रजिस्टर कीजिए और आपके साथ जितने भी लोग जा रहे हैं उनके डिटेल्स डालकर अपना PDF डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट निकालना ना भूलें। तो बात कर लेते हैं टोटल ट्रैक डिस्टेंस की। टोटल डिस्टेंस पड़ता है 14 किलोमीटर, जिसके अंदर 12 साढ़े 12 किलोमीटर में आप पहुंच जाते हैं माता के भवन पे और वहां से 1.5 किलोमीटर की स्टीप चढ़ाई है भैरों की। देखिए सारा भक्ति और विश्वास का प्रमाण है, वहां से वहां तक और वहां से यहां तक आगे आप जहां देखेंगे। और ये है सबसे ज़रूरी, तो हमने अभी यात्रा शुरू ही की है तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आप जब यात्रा कर रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर बनवाएं, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी आपको। और इनको आप जानते होंगे, ये मेरे पति हैं। 2018 के बाद मैं अब आ रहा हूँ, ये मेरा 14वीं बार है जब मैं माता पे आ रहा हूँ। तो ये जो जगह है पटकी, जहाँ से हमारा ट्रैक एक्चुअली में स्टार्ट होता है, ये कटरा बस स्टैंड से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है, तो आप डिपेंड कर सकते हैं। इसलिए हमारा कहते हैं कि अगर आप पास आएंगे तो आपको होटल कंजेस्टेड मिलते हैं, दूर जाएंगे तो ओपन बड़े होटल्स मिलते हैं जिनमें कार पार्किंग है, लेकिन फिर आपको आने के लिए या तो रिटी वोटी शेयर आना पड़ेगा या फिर ऑटो जो छोड़ रहे हैं वो। हम तो बिल्कुल सही जगह रुके थे और हम पैदल चल कर आ रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं जहां से हम यात्रा को शुरू करने वाले हैं। भव्य द्वार से हमारी यात्रा शुरू होगी, इतना सुंदर इतना ग्रैंड है, तो जोर से बोलो जय माता दी। तो इस द्वार पर हमारी जो हमने ऑनलाइन पर्ची करवाई थी वो चेक हुई है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप पैदल नहीं चल पा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या माध्यम है जिनसे आप ऊपर पहुँच सकते हैं। ऊपर जाने के लिए आपके पास खच्चर है, बच्चों के लिए प्रैम है, बड़ों के लिए पालकी है और सबसे इम्पोर्टेंट हेलीकॉप्टर है। इन सब की कॉस्ट हमने अर्धकुंवारी तक या फिर डायरेक्टली ऊपर जाने तक आपके सामने मेंशन कर दी है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इनको ले सकते हैं। सकते हैं। अभी शाम है, धूप नहीं है, जस्ट हमने शुरू ही किया है इसलिए भी एनर्जी है हमारे अंदर। एनर्जी तो वैसे रहेगी माता के धाम पे आए हैं। वैसे भी अगर आप शाम को करते हैं तो फिर पसीने गर्मी कम आती है, थकान कम होती है नेचुरली। तो हम आपको बता देते हैं बेस्ट टाइम रहेगा, आप अगर गर्मियों में आ रहे हैं तो इसको शाम में स्टार्ट करें। गर्मियों में क्या, आप देखिए मार्च में इतनी गर्मी है तो आप सोच दीजिए कि मार्च से प्लान करेंगे तो आपको शाम को बेस्ट टाइम और पूरे गचा आपको लोग मिलेंगे। ऐसे नहीं कि आप अकेले आएंगे, पूरी रात लोग आपको मिलते हैं और अच्छा प्रबंधन है लाइट का। सो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं बाणगंगा को। तो बाणगंगा के पीछे कहानी ये है कि ऐसा बोला जाता है कि माता जी ने यहाँ पे तीर चला के पानी निकाला था जब उनके साथ हनुमान भगवान जी भी थे जिनको बहुत तेज प्यास भी लगी थी और यहाँ पे ही माता ने अपने केशों को भी धोया था। एक और बात का आपका ध्यान रखना है कि बाणगंगा से दो रास्ते जाते हैं, एक है पुराना वाला रास्ता जिससे हम जा रहे हैं और एक है नया रास्ता जो थोड़ा नीचे की तरफ से जाता है। अगर आप नए रास्ते से जाते हैं तो आपको जो चरण पादिका मंदिर है उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे, जो आपको पुराने वाले रास्ते पर ही मिलेंगे। अगर आप वापस आते हैं और आप थक जाते हैं तो पहले ट्रेडिशनल मसाज वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे रास्ते में और यहाँ पे भी, लेकिन ये भी उन्होंने बना दिए हैं मसाज चेयर्स हैं जो भैया कह रहे हैं 50 रुपये फुल बॉडी का हिला देंगे आपको अच्छे तरीके से, तो अगर आप ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं।
जगह जगह पे टाइम टाइम से वॉशरूम भी मिल जाएंगे, वॉशरूम फैसिलिटी अच्छी है, साफ है, और यहाँ पे मेडिकल यूनिट भी है 24 आवर्स। अभी रास्ते में कोई दिक्कत होती है तो आपके लिए ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ, थोड़ा सा चलते ही एक और खूबसूरत मंदिर, थोड़ा सा चलते ही एक और भव्य मंदिर हमें मिला है, जो कि है जय माता दी। जय माता दी। पीछे जो मंदिर है इसको बोलते हैं प्रथम दर्शन चरण पादुका मंदिर। बेसिकली इसकी कहानी ये है कि यहाँ पे दाता ने आके इस पलट के पहली बार देखा गया कि भैरव उनका पीछा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब हमारे पीछे लगे तो उनके पैरों के चिन्ह यहाँ पड़ गए, इसकी वजह से चरण पादुका जिस मंदिर का नाम है। और यहाँ माता के हम आगे जाते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है और जर्नी के लिए आशीर्वाद भी मिलता है। और इस पूरी यात्रा पर आपको खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, जगह जगह पर दुकानें मिलती रहेंगी जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बिल्कुल भरा पड़ा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लाइट बैग पैक करके आइए। बिल्कुल, आपको खाने का कोई सामान नहीं रखना है बैग में, लाइट पैक करिए, आप आराम से ऊपर पहुंच जाएंगे माता का नाम लेकर। और हमने इस यात्रा को शुरू किया था एग्जैक्ट 7 बजे और अभी टाइम हो गया है 8:25 और करीब 1/4 रास्ता जो है वो हमने कवर कर लिया है। अर्धकुंवारी हमें दिखाई देने लगी है और दोबारा से ढोल आप सुन सकते हैं। तो देखिए हर चीज का अपना प्रोज एंड कॉन है। रात को हो सकता है कि आपको नेचुरल ब्यूटी कम मिले, बट एट द सेम टाइम हमारे जो रात की नाइट लाइट्स हैं उनका माहौल भी अलग है। सबसे इम्पोर्टेंट, आप गर्मी से बचते हो। देखिए अब हम ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर आ चुके हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि हम आ गए हैं। दिन में आप सोचिए कितनी गर्मी होगी, तो माता की कृपा से चलिए आगे चलते हैं। ऊपर एक बहुत ही आपको वाइट कलर का भवन दिख जाएगा जिसमें लाइट लग रही है, वो है अर्धकुंवारी जो हमारा पहला स्टॉप होने वाला है। और ये देखिए आप, हर वर्ग के लोग आए हुए हैं, बड़े बूढ़े बच्चे, क्या अमीर क्या गरीब, माता के दरबार में सब बराबर है। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, मिडिल इंडिया, सब मिल चुके हैं मेरे रास्ते में। तो हालांकि पानी की बॉटल्स मिल रही है सब जगह पे, बट कोशिश कर रहे हैं कम से कम वेट कैरी करें और कम से कम प्लास्टिक ऐड करें। तो पानी मिल रहा है पीने का, बहुत ही प्यास लगी है। जगह जगह आपको पानी की फैसिलिटीज मिलती रहेगी पूरे रास्ते तक। यहाँ से नीचे का चमकता हुआ कटरा शहर दिखाई दे रहा है। पहले ये ग्रिल नहीं लगी रहती थी और आप आराम से यहाँ बैठ के इस नज़ारे को एंजॉय कर सकते थे। हम ऊपर ढूंढने के कोई पॉइंट है जहाँ से आपको दिखाएं अनइंटरप्टेड व्यू रात का जगमगाता हुआ। क्या थकान, वैसे थकान की बात की जाए तो हमें बिल्कुल नहीं लग रही। मुझे मतलब मुझे केदारनाथ में थकान लगती है, मतलब ये है तो बिल्कुल नहीं लग रही है। अगर आप फिट हैं, ट्रैकिंग करते हैं, चलते फिरते हैं, आपके लिए ओके है। जोर से बोलो, मैं नहीं सुनिया, जय करा वीर बजरंगी। जब रास्ते में इतने हेल्दी हेल्दी स्नैक्स हैं, मुझे नहीं पता लोग ये पैकेज फूड मैगी क्यों खा रहे हैं, आई डोंट नो। जय माता दी।
जय माता दी। तो देखिए अभी भी यहाँ फोन बूथ अवेलेबल है। पहले जमाने में तो यहाँ बिल्कुल लोगों के पास कहाँ फोन हुआ करते थे, और इनफैक्ट अभी भी आपके पास अगर पोस्टपेड कनेक्शन है तभी चलता है अपना यहाँ पे, या फिर लोकल जम्मू एंड कश्मीर का, जो जम्मू कश्मीर का। अदरवाइज आपके पास यहाँ का फोन चलेगा नहीं, तो घर वालों को कॉन्टैक्ट करना है, कोई रास्ते में गुम हो गया उसको नहीं कर सकते, अगर उसके पास फोन है तो कर सकते हैं। बट देखिए बहुत ही एंशियंट, अपने पुराने बचपन की यादें ताज़ा हो रही हैं मोमेंट्स। और मुझे अब भी याद है जब मैं छोटा था तो यहाँ पर आया था, और मेरे पिताजी वो कभी यहाँ पर नहीं आए, तो मैं पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आता था, तो उस टाइम हम पिताजी को यहाँ से फ़ोन करते थे। तो पता भी नहीं चला कि कब हम लोगों ने करीब 5.5 किलोमीटर कवर कर लिया है, और जो अब अर्धकुंवारी है वो हार्डली आधा किलोमीटर बची हुई है। बहुत ही हमारी तो मतलब पर्सनली नॉर्मल लगा, और पहुंच गए बातें करते करते माता का नाम लेते लेते, और सारे फ्रूट्स खाते हुए, सैलेड खाते हुए, सारी जो चीज़ें बॉडी को हाइड्रेटेड रखती है हमने सिर्फ वही खाई है। और अभी टाइम हो गया है 10 बजने वाले हैं, हम काफ़ी रुकते आराम से हैं, बड़े आराम से हमने 7 बजे शुरू किया था, तो होपफुली 10 बजे आपको अर्धकुंवारी हम पहुँच जाएंगे। जय माता दी। सो अभी जस्ट हम लोग क्रॉस करके आए हैं चेक पोस्ट, पहले ये बहुत सारी चेक पोस्ट होती थी, और ये रास्ता है अर्धकुंवारी का। तो फाइनली मोस्ट रिस्की या ट्रैकिंग या जो भी पार्ट है बोल सकते हैं वो करके हम लोग फाइनली अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं। यार खाने की फैसिलिटी है, सब कुछ है, आपको डॉर्म्स मिल जाएंगे रुकने के लिए, फिर रेंटेड अकोमोडेशन भी है गवर्नमेंट की तरफ से। अब बाकी मतलब ये देखते हैं कि अर्धकुंवारी के लिए कितनी लाइन है। नॉर्मली बोलते हैं बहुत ज़्यादा लाइन होती है, तो लोग अपना नंबर डाल के चले जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, वापसी भी देख लेते हैं। अभी हम देखते हैं कि क्या प्रोसेस चल रहा है करेंटली। अर्धकुंवारी में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, उसका पार्ट डिस्पेंसरी भी है, डॉक्टर बैठे हैं काउंटर पर, कुछ भी प्रॉब्लम हुई है आपको यहाँ तक आके कंसेंट लिया आपको दवाई मिल जाएगी यहाँ पर। आगे जाएंगे तो JNK का बैंक और ATM भी है, कैश खत्म हो गया है, तो हम पूरे रास्ते पे आप नोटिस करेंगे जनरली सब लोग कैश ही ले रहे हैं, तो ऑनलाइन होने में कोई फ़ायदा नहीं है, इवन आपके पास नेटवर्क हो तभी वो लोग कैश ही प्रेफर करते हैं। अब हम ऊपर जाएंगे और पता करेंगे कि गुफा के लिए कितनी लाइन लगी हुई है। अर्धकुंवारी जो गुफा है जिसके बारे में ये जहाँ पे आते हैं, तो बहुत पतली सी गुफा है जिसको कहते हैं कि आप जो अपने माँ के कोख में जब रहते हैं तो वो वाला आपको वापस एक्सपीरियंस होता है, बहुत पतली सी उससे आपको निकलना होता है। ऐसे बोलते भी हैं कि अगर आपने पाप किए हुए तो कितना पतला इंसान है वो भी उससे नहीं निकल सकता, और जबकि वो इतनी पतली है, लेकिन अगर आप बहुत मोटे भी हैं और आपने अच्छे कर्म किए हैं तब भी आप उससे आराम से निकल जाएंगे। अब हमने क्या किया है, आपको दर्शन करा के अच्छे कर्म करते हैं बुरे कर्म करते हैं, कुंवारी पर है JNK बैंक का ATM जहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं। देखिए आप डोसा मिल जाए लोगों को भी इतना ऑथेंटिक तो कहाँ ही खाने मिलेगा, लोग बाहर सीढ़ी बैठ के डोसा ले रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारा भी नंबर यहीं आएगा, फिटिंग का उसको कहनी भूख लगी है बैठ के कहीं भी खाने से मतलब है। कैसा है, जैकेट और शॉल निकालने का टाइम हो गया है, हालांकि मैं लेके नहीं आई थी क्योंकि हमारा प्लान एक्चुअली में था ही नहीं इसको स्टार्ट करने का शाम को, बट अब ये हमारे एक मित्र हैं जिसको हमने अडॉप्ट कर रखा है, इनकी मेहरबानी से हमें शॉल मिला है, और अभी तो यहाँ कम ठंड है, ऊपर भवन में और भी ज़्यादा ठंडी हवा चलती है, तो अब देखते हैं माँ कितना बचाती है। बाकी एक बार खाने के बारे में बता दूँ, जो हमने डोसा खाया है वो 68 रुपीज़ का था और टोटली वर्थ इट, हमने 4 खाए हैं। सर जी आप कितना अमेजिंग था। तो बेसिकली हम लोगों ने मंगाए थे 2 मसाला डोसा और 1 राजमा चावल, पर इतना टेम्पटिंग था कि हमने एक और ऐड कर लिया। अब ऑलमोस्ट 15 मिनट से अंकित अंदर खड़े हैं और उनका नंबर नहीं आ रहा है, और जो भूख का जो हमारा मन था खाने का वो तो भी ख़त्म हो चुका है, पर ये राजमा चावल जो मेरे हाथ में रखे हैं जो अंकित को ख़त्म करने थे ये भी ठंडे हो गए हैं, तो पता नहीं उसका डोसा करेंगे क्या, देखते हैं। और ये अर्धकुंवारी पे आपको सरकारी शॉप मिलेगी जहाँ पे बहुत कम दाम मिलेंगे आपको, तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ खाना है यहाँ भी खा सकते हैं, बट क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर खाया था। नाम से समझ ही पा रहे होंगे अर्धकुंवारी मतलब आपने ऑलमोस्ट सारा रास्ता कवर कर लिया है, तो ये जो गुफा है अर्धकुंवारी की ये करीब 25 फुट की है,
और इसको आपको देखने के लिए 2 घंटे की मिनिमम लाइन लेनी पड़ती है। अर्धकुंवारी को गर्भ गुफा कहते हैं और वो इसलिए भी कहते हैं क्योंकि माँ ने यहाँ पे 9 महीने तपस्या की थी। अर्धकुंवारी पर आपको फ्री लॉकर्स भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपना सामान जो आपको लग रहा है कि ज्यादा ले आए हैं उनको वहाँ रख सकते हैं और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं इस जर्नी को। आपको बता दें कि भगवती भवन है ऊपर, यहाँ पे ट्रेंडेड अकोमोडेशन होती है लेकिन ये पूरा फुल चल रहा है। आप आसपास देख सकते हैं सब नीचे सो रखे हैं। कंबलों की कमी नहीं है, कंबल के लिए आपको 100 रुपये का देना है सिक्योरिटी, आपको कंबल मिल जाएगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप नीचे से बुकिंग करा के नहीं आते हैं ऊपर की भगवती भवन की, तो आप दो तीन लोग नीचे लेटे हुए हैं ऐसे ही आपको कंबल लेके आप लोग को लेटना पड़ेगा। एक बात का आप लोग ध्यान रखिए कि ऊपर जहाँ अर्धकुंवारी पे आपको शैलपुत्री भवन पर रुकना है, इसकी बुकिंग आप नीचे ही निहारिका भवन से एडवांस में करा कर चलें, क्योंकि नॉर्मली शाम तक बुकिंग फुल हो जाती है और आपको ऑन द स्पॉट स्पेस नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं, अगली वीडियो में आपको लेकर चलेंगे अर्धकुंवारी से भवन तक के सफर पर।